हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बॉलीवुड में छिड़ गई है अब तक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, और ये कंट्रोवर्सी कोई छोटी मोटी कंट्रोवर्सी तो बिल्कुल नहीं है। ये कंट्रोवर्सी काफी दूर तक जाने वाली है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी छिड़ी है बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और साउथ के सुपरस्टार डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के बीच में। जी हाँ, हालांकि दोनों ने एक दूसरे का जिक्र नहीं किया है, एक दूसरे का नाम नहीं लिया है, लेकिन एक दूसरे पर ना कई सारे वार किए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि बीते दिनों शाहरुख ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसे ना कहीं जो एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा है उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। और अब शाहरुख के वार पड़ना संदीप का भी पलट वार आ गया है। मैं आपको बता दूं कि संदीप रेड्डी वांगा शाहरुख से पहले किरण राव, जो कि आमिर खान की पत्नी है, उन्हें और साथ ही साथ जावेद अख्तर को भी निशाना बना चुके हैं। तो चलिए गाइस, तमाम खबर आपको बताती हूं कि आखिरकार शाहरुख ने क्या कहा था और अब उस पर जो संदीप रेड्डी वांगा है उनका क्या पलटवार आया है। तमाम अपडेट आपको दूंगी, लेकिन गाइस प्लीज सबसे पहले तो गॉसिप टाउन को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। गाइस पहले आपको बता देती हूँ कि शाहरुख ने आखिरकार क्या बात कही थी। दरअसल शाहरुख ने एक इवेंट में कहा था, मैं आशावादी इंसान हूं, मैं बहुत पॉजिटिव हूं, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं और मैं चीजों को बहुत ही अच्छे नजरिए से देखता हूं। मैं आशावादी इंसान हूं और खुशी भरी कहानियां सुनाता हूं। जिन हीरो का किरदार मैं निभाता हूं वो अच्छे काम करते हैं और लोगों को उम्मीद और खुशी देते हैं। मुझे खुशी देना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं एक बुरा आदमी बनता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि वो खूब तकलीफ में रहे, कुत्ते की मौत मरे, क्योंकि मैं मानता हूं कि अच्छे को अच्छा मिलता है और बुरे को बुरा मिलने का वो हकदार होता है। मुझे ईमानदार किरदार निभाने चाहिए जो लोगों को सपने देखने की हिम्मत दे, पॉजिटिविटी दे, आगे बढ़ने का पूरा हौसला दे। मुझे चुपचाप मेहनत करते रहना चाहिए इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी मेरा पत्ता ना काट दे। जी हाँ, ये जो स्टेटमेंट था ये दिया था शाहरुख खान ने, और अब इस पर ना संदीप रेड्डी वांगा ने पलटवार कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था शाहरुख खान के स्टेटमेंट पर कि ये ना उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा को ही तंज कसा है उनकी फिल्म एनिमल को लेकर। तो चलिए मैं आपको बताती हूं आखिरकार संदीप ने क्या कुछ कहा है। दरअसल संदीप ने सिद्धार्थ करण के इवेंट में उनसे खास बातचीत में एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा, और कहीं ना कहीं ये ना शाहरुख पर तंज माना जा रहा है। वांगा ने कहा था, लोगों को समझ नहीं आता कि ग्लोरीफाई करने का मतलब क्या होता है। वो चाहते हैं कि हीरो क्लाइमेक्स में लेक्चर दे जहां वो अपनी सारी गलतियों को माने। वो उम्मीद करते हैं कि वो हीरो जो है वो कुत्ते की मौत मरे। जी हाँ, ये जो स्टेटमेंट है ना ये कहीं ना कहीं अब शाहरुख के बयान से रिलेट करते हुए देखा जा रहा है। हालांकि गाइज सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो शाहरुख ने संदीप का नाम लिया, ना ही उनकी फिल्म का जिक्र किया, और ना ही संदीप ने ना ही शाहरुख का नाम लिया, कुछ भी कनेक्शन नहीं किया है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोग हैं ना वो दोनों के बयानों को एक दूसरे से रिलेट करके देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब ये ऐसा माना जा रहा है कि जो ये कॉन्ट्रोवर्सी है ना ये दूर तक जाने वाली है, इतनी आसानी से ये थमने वाली नहीं है। वही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बीते दिनों एक इंटरव्यू में हालांकि जो संदीप रेड्डी वांगा है उन्होंने शाहरुख खान के साथ भी फिल्म करने की इच्छा जताई थी, पर क्या इन दोनों के बीच में कोई भी नया प्रोजेक्ट आ पाएगा, क्योंकि जिस तरह से अब ये इन दोनों के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई है ना, ये कहीं ना कहीं कोई नया मोड़ भी ले सकती है। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए गॉसिप टाउन।